नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कीपैड फ़ोन है और ये सैमसंग का फ़ोन है, और सैमसंग से मतलब नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप इसका कोड अगर लॉक जानना चाहते हैं कि इसका कोड आप रीड करना चाहते हैं कि इसका कोड है क्या, तो मैं इसका कोड बताऊँगा। आप इसको रिसेट भी कर सकते हैं, बट आप इसका कोड आप इसको कोड को रीड कर सकते हैं। तो इस कोड को रीड करने के लिए मैं आपको आपके लिए वीडियो बना के आया हूँ, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। मैं इसमें दो दो तरीक़ों से आपको इसमें वीडियो मैं इसमें दोस्तों दो तरीक़ों से इसमें वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं। तो वो दो तरीका है, एक तो मैं मिरकल से आपको इसका पासवर्ड रीड करके दिखाऊंगा, और एक आपका CM2 डोंगल होता है उस डोंगल से मैं इसका पासवर्ड रीड करके दिखाऊंगा। एनी SPD फ़ोनों को आप बूट करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो इसी फ़ोन का मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि इसका पासवर्ड क्या है, मैं आपके सामने लाइव भी करके दिखाऊंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसका रेट जो अगर ये जानते हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे एक कीपैड का फ़ोन है, उसमें स्पेक्ट्रम का CPU है। तो स्पेक्ट्रम मेरा मेन मोटिव है इसमें, स्पेक्ट्रम के CPU को, उसके कोड को आप कैसे रीड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, दो मेथड से दिखाऊंगा। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट नहीं पता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पता चलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज़ पहले ही बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि आप क्या करें कि जो विंडो है, ये आपका डिवाइस मेजर है, ये हमेशा खोल के रखें। क्यों? क्योंकि आप खोल के रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा फ़ोन बूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे ड्राइवर डिटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो पहली मैं आपको बता दूँ, दो तरीक़ों से हम इसमें रीड कोड का दिखाएंगे। आप एनी SPD फ़ोन कीपैड फ़ोनों का मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसके कीपैड फ़ोनों का फॉर्मेट ना करके, उसको फ्लैश ना करके, अपना टाइम बचा करके उसका रीड पैटर्न, रीड पिन कर सकते हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बट आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो पहला मैं मिरकल से आपको करके दिखाऊंगा, मिरकल थंडर से दिखाऊंगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, आप क्रैक से ट्राई करें। क्रैक मैं नहीं कह सकता कि क्रैक से होगा कि नहीं होगा, बट ये देख सकते हैं आप 3.4 में इसका थंडर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। चलिए, अब आपको करना क्या है, आपको SPD में जाना है, क्योंकि हम SPD का आज हमने टॉपिक लिया है, SPD का टॉपिक लिया है, तो हम SPD में जाएंगे। और SPD में जाने के बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आपको जाना है सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद आपको जाना है, यहाँ पर रीड अनलॉक लिखा होगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रीड अनलॉक लिखा है। अब आपको रीड अनलॉक पे इसको यूनिवर्सल रखने देना है। अगर आपका इसमें से जो भी ब्रांड होगा, कीपैड का जो भी ब्रांड होगा, आप उसे अपना ले सकते हैं। ठीक है, तभी मैं यूनिवर्सल लूँगा, क्योंकि इसमें सैमसंग का ब्रांड शायद इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो हम SPD को ही लेकर चलते हैं और इसको हम यूनिवर्सल कर देंगे। चलिए, तो हमने यूनिवर्सल कर दिया। अब CPU आप अपना ले लेना है, जो आपका CPU मॉडल होगा। अगर डिटेक्ट नहीं होता है दोस्तों, तो आप अपना CPU नंबर लेना है। यहाँ पे पहले बता दूँ, अब कुछ भी नहीं करना है, स्टार्ट बटन दबा देना है। स्टार्ट बटन जैसे आपने दबाया, फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए इसकी बूट की होती है, मैं आपको बता दूँ, इसकी बूट की होम बटन है। होम बटन आप इसको दबाइए और USB को कनेक्ट करिए। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, आप साइड में देखेंगे पोर्ट का ऑप्शन भी दिख रहा होगा आपको। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, और ये डिवाइस में इधर ब्लिंक किया हुआ है, सारी चीज़ें रीड हो रही है। इसका CPU टाइप है 6530। तो देखिए, ये 6530 अगर नहीं होता तो ये आपका CPU डिटेक्ट नहीं करता। तो मैं वही चीज़ें आपको सारी चीज़ें क्लीन स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी IMEI आ गई, कचड़ा आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फ़ोन कनेक्टेड है SPRD US। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है, ये हमारा कोड है 1 2 3 4 5 6 7, अनलॉक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। सारी चीज़ें स्क्रीन लॉक, ये सारी चीज़ें कोडेड्स आ गई हैं, बट ये हमारे काम की नहीं है, ये पुरानी रही होंगी। बट हमारा जो मेन काम का है ये 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, SPD में गए, सर्विस में गए, और आप अनलॉक किया और स्टार्ट दबाया, आपका ये कोड आ गया 1 2 3 4। बट अभी मैं ये नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, अभी मैं एक सोर्सेज से आपको और दिखाऊंगा कि आप इसको कहाँ से रीड कर सकते हैं। तो दूसरा सोर्सेज मेरा मैं दिखाऊंगा आपको, CM2 से दिखाऊंगा कि हम वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब मैं CM2 खोलूँगा, CM2 खोलने के बाद आपको दिखाऊँगा, और उसके बाद फ़ोन को चालू करके दिखाऊँगा कि वो काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, बस मैं CM2 को लगा रहा हूँ, और CM2 को लगाने के बाद आपको दिखाऊँगा कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए, हमारा SPD है, तो मैं CM2 का SPD ले लूँगा, ओपन करूँगा। अभी दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी जो ओप्पो की जो फाइलें आती हैं,
उस उन फाइलों को कैसे स्टैक करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अभी बहुत सारे कंटेंट पे काम कर रहा हूं और सारे अपडेट अपने स्टूडेंट को देता रहूंगा, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम वो अपडेट्स स्टूडेंट को देते रहेंगे। तो देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि सेम टू मैंने ओपन किया है, सेम टू का हमने एसपीडी ओपन किया है। आप कीपैड के लिए सेम टू ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे कीपैड हो चाहे एंड्रॉयड हो, अभी वो सेम टू में एसपीडी का सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जाना है यहाँ पर सर्विस में जाना है। सर्विस में अगर आप जाते हैं, सर्विस में जाके यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट से रिसेट फ़ोन। अगर आप इसे, अगर आपका इन केस एसपीडी का फ़ोन है और वो रीड नहीं हो रहा है, उसका पासवर्ड रीड नहीं हो रहा है, तो आप इसे फॉर्मेट एफएस कर सकते हैं। इसमें क्लियर एफ आर पी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी सिम कोड अनलॉक कोड फ़ोन कोड होगा सारे चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उसका रीड करना है। तो मैं आपको बता दूँ, यूज़र डाटा आप जाएंगे, यूज़र डाटा फॉर्मेट में जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रीड यूज़र कोड, बस आपको रीड यूज़र कोड पर क्लिक करना है और फ़ोन को वही बूट करके कनेक्ट करना है। तो इसका है, जैसे अभी आने दीजिए, वेटिंग फॉर फ़ोन। मैं इसको थोड़ा सा साइड करूँगा और यहाँ पे डिवाइस मेजर को फिर से खोल के रखूँगा। अब मैं इस फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये हमने फ़ोन को कनेक्ट किया, फ़ोन फाउंड हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी फ़ोन कनेक्ट हो गई। देखिए दोस्तों, एस पी आर डी यू एस बी डेविंग का पोर्ट भी बना लिया है। अब देखते हैं हमारा पासवर्ड रीड होता है कि नहीं। जैसे देख सकते हैं यूज़ कोड 1234567, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पासवर्ड भी रीड हो चुका है। सारी चीज़ें दोस्तों, हम इसीलिए फेक वीडियो नहीं बनाते, जो भी वीडियो है हमारे स्टूडेंट के लिए लाइव वीडियो है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी लाइव करके भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अभी आप लास्ट तक देखिए कि कोड हमारा जो 1234567 था वो एक्चुअल में काम कर रहा है। चलिए मैं फ़ोन में जाके आपको दिखाता हूँ कि वो कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कोड भी दिखा रहा है और ये फ़ोन वही फ़ोन है जो कि कोडेबल फ़ोन था। मैं फिर से इसको टर्न करके आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो सारी चीज़ें। अब इसमें मैं कोड डालता हूँ 1 2 3 4 7 दब गया। इसमें हम 4 इंटर करेंगे, 5 6 और ये 7। तो ये कोड वही था जो हमने इसमें डाला है। अब देखते हैं हमारा फ़ोन स्टार्ट होता है कि नहीं। तो जैसा देखते हैं फ़ोन अनलॉक हो चुका है। तो आप इसका पिन रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमने ये दिखाया कि अगर आपको लास्ट तक, मैंने आपको यहाँ तक दिखाया कि आप इसे दो बे में दिखाया, मैंने आपको मिरेकल से भी दिखा दिया और मैंने दोस्तों आपको यहाँ से दिखा दिया कि आपको CM2 का अपडेट भी आपको हमने बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे, मैं एक बार फिर से अपने कंप्यूटर में आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको बाय चांस रीड कोड नहीं होता है, अगर आपका रीड कोड नहीं होता है तो आपको करना क्या है, आपको सर्विस में जाना है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्मेट FS, आप इसको क्लिक करेंगे, आपका वो पासवर्ड पिन जो भी लगा होगा कीपैड में वो आपका इजीली रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।